Hello everyone, this is Ashijan. In this video, we will discuss another chapter of income tax, that is income from house property. देखिए ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को बहुत ट्रिकी लगता है एंड मेरा जो जितना मैंने अब तक देखा है कि कुछ बच्चे चैप्टर जो हैं एग्ज़ाम के लिए छोड़ देते हैं, लाइक जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिनको ये डिफ़िकल्ट लगता है, सो उस वजह से इनकम टैक्स में वो जो है ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। बट द थिंग इज, मेरा ये मानना है कि अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल या फिर अगर थोड़ा सा इसके अगर ट्रिक को या फिर इसकी ड्रिल को अगर आप अच्छे से पकड़ो, इसके कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया, तो फिर मेरा तो ये मानना है कि ये चैप्टर तो बल्कि सबसे ईजी हो जाता है। बट द थिंग इज, यू नीड टू डिवोट सम टाइम इन दिस चैप्टर, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि आप इस चैप्टर को अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कर लो। ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हो दैट वी विल टच दिस दिस चैप्टर इन द लास्ट, सो वी विल कवर एट द एंड। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज द थिंग इज, बिकॉज आप एक बार पढ़ोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में से समझोगे कि लैंग्वेज में क्या लिखा है, बट जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो आप उसको एनालाइज करोगे ऐसा क्यों हुआ। थर्ड टाइम आप पढ़ोगे तो आपको अपनी मिस्टेक नजर आएगी कि हाँ मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक आ रही है, ठीक है। मीन्स आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ही आपको सेक्शन या फिर प्रोविजन आपको याद होंगे, ठीक है। सो एज पर माई सजेशन, जितना जल्दी चैप्टर आप इसको फिनिश करोगे उतना ही आपके लिए ईजी है। फिनिश इन द सेंस, मैं ये नहीं कर रहा कि जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं ये नहीं करा, मैं ये कर रहा हूँ जितना जल्दी, यानी कि जितना और गो थ्रू इन डिटेल आप अच्छे से पढ़ोगे एंड एग्जाम से पहले इसको जितना जल्दी कवर कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। देखिए ये चैप्टर बेसिकली अगर आप देखोगे तो बी कॉम वगैरह में या फिर बी कॉम ऑनर्स लेवल पे आपका ये 11 मार्क्स का चैप्टर आता है, ठीक है। अब देखिए 11 मार्क्स तो ये तो है नहीं कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। एक एक मार्क्स भी देखो बहुत मैटर करता है पास और फेल के लिए, तो ठीक है। सो अगर आपको देखिए ओवरऑल, अगर आपको बी कॉम प्रोग्राम या बी कॉम ऑनर्स में अगर आपको और अच्छी सी जी पी ए गेन करनी है, सो आपको इस चैप्टर में थोड़ी पकड़ मजबूत आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए इस चैप्टर में आपका मेन रोल क्या होगा कि जब भी आप इस चैप्टर को करो तो आप ये समझो कि आप ही जो है बिजनेस में हो। दैट मीन्स सैलरी इनकम छोड़ दो, हाउस प्रॉपर्टी छोड़ दो, आप ये समझो कि आप खुद ही को बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ओके। चलिए नाउ फर्स्ट सेक्शन दैट इज 28, ये क्या बताता आपको, चार्जिंग सेक्शन दैट इज स्कोप ऑफ दिस चैप्टर। देन सेक्शन 29 विच टेल्स अबाउट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग पीजीबीपी इनकम। देन वी विल स्टडी अबाउट द सेक्शन 36-36, वो किस बारे में बताएगा, दैट दोज ऑल स्पेसिफिक एक्सपेंसेस दैट आर अलाउड फ्रॉम पीजीबीपी। देखिए आप तो देखिए P&L अकाउंट ने आपने बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है, आप बना रहे हो फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। आपको पता है कि डेबिट साइड में क्या आता है, ऑल एक्सपेंसेस। आपको पता है इन क्रेडिट साइड में क्या आता है, ऑल इनकम। आपको अच्छे से पता है अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो कोई एसएससी ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी इनकम ज़्यादा दिखाए, ज़्यादा दिखाएगा तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपना टैक्स कम करने के लिए कहता है, वो अपना एक्सपेंसेस ज़्यादा ज़्यादा दिखाता है सो दैट ही नीड टू पे लेस टैक्स। सो सारी लड़ाई यहाँ पर किस चीज़ की है, एक्सपेंस रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ने बता रखे हैं या फिर इनकम टैक्स में आपको बता रखे कौन कौन से एक्सपेंसेस आर अलाउड टू डेबिट इन P&L अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 30-36 कौन से एक्सपेंसेस बताएं, ओनली दी स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस, दैट मीन देर आर सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस दैट द इनकम टैक्स नीड टू फोकस इन डिटेल, ठीक है। दैट मीन्स ओनली दीज एक्सपेंसेज आर अलाउबल फ्रॉम PGBP। दैट मीन्स इसमें यह बताया कि कौन कौन से एक्सपेंस आप P&L से डेबिट कर सकते हो एंड अगर कर सकते हो तो कितना अमाउंट आप कर सकते हो, दैट मीन देर आर सम रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो, ओके। नाउ सेक्शन 36(1), देर आर बेसिकली जनरल डिडक्शन, दैट मीन्स अदर देन दोज एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन, उनको छोड़कर वो कहाँ पर आता है आपके सेक्शन 37(1) में, दैट मीन्स दीज आर जनरल डिडक्शन, ओके। देन वी विल कवर अबाउट द सेक्शन 37, 38, 40, 43, ये कौन सा एक्सपेंस है, दिस एक्सपेंस दैट आर नॉट अलाउड
अलाउड ही नहीं है फ्रॉम द पीजीबीपी, ठीक है, स्ट्रिक्टली बोला हुआ है दैट दिस आर नॉट अलाउड अंडर पीजी। दैट मीन्स आप इन एक्सपेंसेस को पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर ही नहीं सकते। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी सेक्शन 41। ये क्या बताया? एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम्ड इन लास्ट ईयर। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब जैसे मानो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज बैड डेट का, जब मान लो आपको किसी से पैसे लेने हो तो वो पर्सन क्या बन जाता है? आपका डेटर बन जाता है। और अगर आपको डाउट बनता है कि नहीं पैसा तो देगा ही नहीं, या फिर आपको जब श्योरिटी देती है तब तो कि वो पैसा देगा ही नहीं, तो आप उसके नाम पर एक बैड डेट अकाउंट खोल लेते हो। तो आप इंडियंस अकाउंट बना डेबिट कर देते हो, बिकॉज इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, ये लॉस हो जाता है आपका, तो आप उसको पी एंड एल में डेबिट कर देते हो। बट वट अबाउट वेन दिस बैड डेट एक्चुअली रिकवर? मान लीजिए ये बैड डेट आपका 2018 में था, अब मान लीजिए 2019 ईयर में ये बैड डेट आपका रिकवर हो गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये एक्स्ट्रा डिडक्शन जो क्लेम करी ना, वो उसको हमें दोबारा जो पहले आपने डेबिट किया था, अब इसको आपको यहाँ पर इनकम मानना पड़ेगा। ठीक है, सो हम बात करेंगे वो किसमें, सेक्शन 41 में। देन देर आर सम मिसलिनियस प्रोविजन्स। कौन कौन से हैं? सेक्शन 43 CA, 44 AB, 44AA, 44AD, 44AE एंड देन 44ADA। ठीक है, सो ये आपका है करिकुलम अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, सो हम इसको इन डिटेल काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट सेक्शन है, दैट इज 37(1). सेक्शन 37(1) कौन सा है? देखिए मैंने ऊपर लिखा था जनरल डिडक्शंस। कौन से जनरल डिडक्शन? अदर देन दोज डिडक्शन दैट आर ऑलरेडी कवर्ड इन सेक्शन 36, 32, 36। तो क्या लिखा हुआ देखिए, ऑल द एक्सपेंसेज दैट आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 32, 36(1) एंड दीज ऑल फॉलोइंग कंडीशन आर टू बी फुलफिल। ये चार कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है उन जनरल डिडक्शन, उन जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट करने के लिए। कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट वन इज कि वो जो जो भी आप खर्चा जो पी एंड एल में डेबिट कर रहे हो, जनरल जो आप डेबिट करना चाह रहे हो, वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कौन सा नेचर होना चाहिए उसका? रेवेन्यू नेचर। देन पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। देन इलीगल नहीं होना चाहिए। एंड देन इट मस्ट बी एक्सक्लूसिवली फॉर ओनली बिजनेस और प्रोफेशन। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन रिलेटेड होना चाहिए, और कोई नहीं। ठीक है, तो अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है, तो वो सारी जितनी भी जनरल एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेसमैन जो है वो अपने पी एंड एल में डेबिट कर सकता है। देन आपने कंसेप्ट पढ़ा होता है दैट इज CSR, दैट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है बेसिकली? ये एक्चुअली एक तरह का समाज सेवक जो है, जो समाज सेवा होती है वो होती है कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि जिन कंपनी का टर्नओवर, मतलब कुछ टर्नओवर सेट की हुई है कि अगर इतना टर्नओवर है तो इनके लिए CSR कंपलसरी, यानी कि जैसे 2% ऑफ देयर टर्नओवर उनको जो है समाज सेवा करनी है कुछ, यानी डोनेशन देनी है। ठीक है, तो CSR भी क्या वो CSR को PNL में डेबिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स क्या कहता है कि अगर वो 32, 36 में कवर होते हैं, यानी कि जो कि स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस अगर उसमें कवर है तब तो वो अलाउड है, अगर नहीं है तो वो डिसअलाउड है। दैट्स इट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि किसी भी कंपनी को अपने टर्नओवर पे 2% जो है वो अपना कुछ डोनेशन देना होता है। कहीं पर भी डोनेशन दे सकते हो, जैसे कि देखिए पढ़ाई लिखाई में काफ़ी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में पैसे दे दिया, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में पैसे दे दिया, ठीक है, तो उसमें जो CSR यानी कि जो 2% को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, ताकि बाकी जो कंपनी जो है अपनी भागीदारी उसमें करे, ताकि हमारे देश के लिए वो काम आए। ठीक है, तो उस कंपनी के लिए कुछ स्पेसिफाइड इनको देना ही पड़ता है। तो जब कंपलसरी रहता तो उसको एक यहाँ पर जो पूछा गया कि क्या वो बिजनेसमैन, वो तो बिजनेस ऑब्वियसली उसका बिजनेस है, तो क्या वो कंपनी अपने CSR अपना जो है बिजनेस में पी एंड एल में डेबिट कर सकता है नहीं कर सकता, उसकी बात हो रही है। कब कवर, कब डेबिट कर सकता है? अगर वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं सेक्शन 32, 36(1) में अगर कवर हो रहे हैं, ओनली दैट अलाउड, अदरवाइज दे ऑल दीज एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड। ओके, नाउ नाउ वी आर कमिंग टू दी सेक्शन 13। दैट मीन्स अब हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? अब हम वो सेक्शन कर रहे हैं दैट मीन्स दो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस विच आर
स्पेसिफाइड विच आर अलाउड, दैट मीन्स कौन से जो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस हैं जो पी एंड एल में डेबिट कर सकते हैं। पहले हमने किसकी बात करी है, सेक्शन 37(1) जो कि जनरल डिडक्शन है, उनके लिए चार कंडीशन होगी, फुलफिल कर ली तो वो जनरल डिडक्शन अलाउड है पी एंड एल में डेबिट करने के लिए। अब हम वो स्पेसिफाइड की बात कर रहे हैं जनरल डिडक्शन को छोड़कर, ठीक है। तो देखिए कौन से जनरल कौन से स्पेसिफाइड है, पहले बात करेंगे तो सेक्शन 30 किसके लिए है, बिल्डिंग, यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन बिल्डिंग यूज कर रहा है किसके लिए, ओनली फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसके कौन कौन से खर्चे जो हैं वो पी एंड एल में डेबिट के लिए अलाउड हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, पहले तो मैटर करता है कि वो एसएससी है कौन। अगर एसएससी ओनर है, मैंने क्या बोला था, जब भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये मान लो कि आप एसएससी हो, दैट मीन्स आप ही बिजनेस रन कर रहे हो, मान लीजिए आप ही ओनर हो, तो आप देखिए उस बिल्डिंग पे, और बिल्डिंग को आप किसके लिए यूज कर रहे हो, फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो आप देखिए बिल्डिंग पे कौन कौन सा खर्चा कर सकते हो, रिपेयर के लिए कर सकते हो, इंश्योरेंस का कर सकते हो, हाउस टैक्स का कर सकते हो, ठीक है, या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, तो उससे रिलेटेड आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है, तो ये सब अलाउड हैं, ठीक है। और वही अगर आप ओनर नहीं हो, टेनेंट हो, ओनर नहीं हो टेनेंट हो, आपका बिजनेस है, आप उस बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट अलाउड है, रिपेयर भी अलाउड है, इंश्योरेंस भी अलाउड है, प्रॉपर्टी टैक्स भी अलाउड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, रिपेयर, ये रिपेयर जो वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए आप ओनर हो, ठीक है, आप जो है सपोज एक मान लीजिए आप रह रहे हो, सपोज फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो आप, ठीक है, आपने सेकेंड फ्लोर पे अपना बिजनेस आप रन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करा, रिनोवेट करा लिया, आपने सेकेंड सेकेंड फ्लोर आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है, तो वो आप रिपेयर में काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि वो रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। इवन अगर आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो बिजनेस बिल्डिंग के लिए, तो वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का अलाउड है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा इन डिटेल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग है, उसमें 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, 50%, 30%, 20%, ठीक है। मान लीजिए 50% है वो किसके लिए यूज किया, फॉर द लेट आउट, ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट किया हुआ है। मान लीजिए इससे जो रेंट आ रहा है, सपोज 20,000 पर मंथ रेंट आपको आ रहा है, ठीक है, आप इस बिल्डिंग के ओनर हो, देन 30% है वो किसके लिए, फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, देन जो 20% रिमेनिंग है वो आप इसमें आप खुद रेजिडेंशियल, यानी कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ले रहे हो, उसमें ये सेल्फ खुद आप रह रहे हो, ये 20% है। अब मान लीजिए इस पूरी यूनिट का, पूरे बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्स, वेट, म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो कितना है, 5,000। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, देखिए पीजी बीपी में हम कोई भी अगर सेक्शन डिस्कस करेंगे, तो उसके साथ मैं कुछ और सेक्शन भी मुझे डिस्कस करने पड़ेंगे उस टॉपिक को मुझे कवर करने के लिए। सर क्या मतलब है आपका, जैसे देखिए हम सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, 30, तो इसके साथ साथ मुझे साइड बाय साइड कुछ और सेक्शन भी बताने पड़ेंगे, ताकि आपको इस सेक्शन की क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। सो दैट मीन इसका मतलब यह है कि अगर जैसे ही मैं कुछ और सेक्शन भी आपको इसमें टच करूंगा, तो आपका साइड बाय साइड वो सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आपको ये डिस्कस करते कि दीज आर दी मिसलेनियस प्रोविजंस, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोविजंस है वो इसमें अलाउड है सारे, स्पेसिफाइड जनरल स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस में, ठीक है, यानी कि बात करूंगा मैं सेक्शन 30 की, लेकिन साथ साथ मेरे को ये प्रोविजन भी कवर करना होंगे, मिसलेनियस प्रोविजंस, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, ये मत समझना कि सर आपने सेक्शन पढ़ा था 30 से 30 पहुंच गए सर आप किसी और सेक्शन पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको जब मैं किसी कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इन डिटेल उसकी पूरी जितनी भी लाइक क्वेरी हो सकती है आपको उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट ना हो, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए देखिए हमने बात करी जैसे रिपेयर के रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, या हाउस टैक्स है वो भी तो होता ही रहेगा।
अब बात करते हैं जरा हाउस टैक्स की। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए आपने हाउस टैक्स पे किया ऑन 5th मई 2019, ऑन 5th मई 2019 एंड द ड्यू डेट ऑफ ITR वो कितनी है, दैट इज 1st ऑफ जुलाई 2019। ड्यू डेट ऑफ ITR फाइल कितनी है, 1st ऑफ जुलाई 2019। यानी कि आपने हाउस टैक्स कब पे किया, 2019 को, यानी कि आपने हाउस टैक्स कब पे कर दिया, बिफोर द डेट ऑफ ITR। तो उस केस में आपको ये एक्सपेंस जो है डेबिट करने के लिए अलाउड है। सर आप कहना क्या चाहते हो, मतलब अगर यही हाउस टैक्स अगर मैंने इस ड्यू डेट के बाद पे करा तो क्या वो मुझे डिसअलाउड होगा? एग्जैक्टली ये कौन सा सेक्शन में बोला हुआ है, 43B। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन है, इसको अच्छे से याद रखना। दैट मीन्स सेक्शन 43 में क्या बात बोली हुई है कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस, यानी कि जो वो एक्सपेंसेस जो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, वो अलाउड तो हैं, लेकिन वो तभी आपके लिए अलाउड होंगे अगर आपने उसकी पेमेंट उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उसके ITR से पहले आपने पेमेंट कर दी हो, उतने ही अमाउंट की आपको जो इसकी डिडक्शन अलाउड है। इसी को डिस्कस करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल टैक्स देखिए कितना बनता है, 5000। मान लीजिए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आपने पेमेंट की सिर्फ और सिर्फ 4000 की, ये टोटल अमाउंट एक्चुअल पेड है फॉर द म्यूनिसिपल टैक्स की। कौन सा प्रीवियस ईयर है, 1920। अब बिफोर आईटीआर मान लीजिए आपने पे किया 600, ओके, एंड आफ्टर आईटीआर, आपने पेमेंट की 400 रुपये, ठीक है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि पी एंड एल से आप कितना म्यूनिसिपल टैक्स जो है पी एंड एल से डेबिट कर सकते हो। चलिए अगर अब आपको देखिए इनकम, यहाँ पर पहले आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ से अराइज हो रही है। पहले तो देखिए ये इनकम जो आपकी जो काउंट हो रही है वो आपकी कहाँ पे काउंट होगी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर ये तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्राइस है, तो इससे तो कोई इनकम अराइज हो नहीं रही। आपको अच्छे से पता है जब हमने हाउस प्रॉपर्टी किया था तब हमने जो भी यूनिट बिजनेस प्रोफेशन सेलेक्ट की थी तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते करते थे। आप देखते थे वो उस कॉलम को हम पूरा ब्लैंक छोड़ देते थे। तो क्या मतलब होता है कि उस वो कहीं इनकम काउंट ही नहीं की, जी नहीं, काउंट यहाँ पर काउंट है कि वो अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जो है काउंट कैसे होगा। पहले तो देखिए अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से पता से लगाना चाहते हैं तो अगर आपको देखोगे हाउस प्रॉपर्टी में GEV जितना अमाउंट होगा वो तो आप लिख ही दोगे। अब अगर आप सोचो तो म्यूनिसिपल टैक्स आएगा कितना यहाँ पर, देखिए ड्यू अमाउंट है, आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा अमाउंट लेते हैं, एक्चुअल पेड। प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट पे किया, 4000, यही पे किया प्रीवियस ईयर में, और कितना ये कवर कर रहा है एरिया, दैट इज 50%। सो म्यूनिसिपल टैक्स कितना कितना अलॉट देगा फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज 2000। फिर आप बाद में NAV निकालते हो, 30% डिडक्शन निकालते हो एंड इंटरेस्ट फॉर्म, तो आप वो तो पे हो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। अब बिजनेस प्रोफेशन में कितना आप जो है म्यूनिसिपल टैक्स कितना डेबिट कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपको अमाउंट कितना लेना है, 30%, बट 30% ऑफ वॉट। देखिए पेमेंट कितनी करी आपने, 4000 की, पेमेंट कितनी की आपने, 4000 की करी आपने, ठीक है। एंड बाकी ये कौन सी अलाउड होगी, ओनली 600 जो कि आपने बिफोर ड्यू डेट पे की है, ये अलाउड होगी। सो कितना अमाउंट हो गया, 1200 प्लस 180, कितना अमाउंट हो गया,
1380, विच मीन्स ओनली दिस अमाउंट विल बी अलाउड इन पी एंड एल एज एक्सपेंसेस। ओके, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में आपको पी एंड एल में गिवन है म्यूनिसिपल टैक्स दैट इज 2000, तो क्या करोगे, वो तो गलत है, तो पहले तो आपको क्या करोगे, वो डिस अलाउड है उसको एड बैक करोगे और फिर इसमें से ये माइनस करोगे। ठीक है, देखो पी एंड एल में आपको बेसिकली ये देखना है कि कौन कौन से जो खर्चे हैं उसको जो जो खर्चे हैं जो डिस अलाउड हैं पहले तो उसको ऐड बैक कर दो, उसके बाद आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे, जितना अमाउंट आएगा अलाउड होगा उसको आप माइनस करोगे। ठीक है, यही प्रोसीजर है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो ये था आपका, मैंने आपका सेक्शन कवर किया दैट इज सेक्शन 30, एंड फिर साथ साथ मैंने आपको क्या बता दिया, सेक्शन 43B। सेक्शन 43B देखिए हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, मैंने बोला कोई भी एक्सपेंस ऐसा हो जो कि आपने आफ्टर ITR पे किया है तो वो डिस अलाउड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कैपिटल नेचर रिपेयर ऑन बिल्डिंग। अभी तक हमने तुमने कौन सा रिपेयर हमने अलाउड किया था, ओनली द रेवेन्यू, बट अगर कैपिटल नेचर हो तो क्या वो डिस अलाउड हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या बोला है इसमें। देखिए रिपेयर ऑन बिल्डिंग है, पहले तो कंडीशन ये है दैट इट शुड बी यूज इन बिजनेस और प्रोफेशन ओनली, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। तो देखिए ओनर के डिपेंड करता है, ओनर कौन है, अगर मान लीजिए SSC कौन है, ओनर है, तो फिर क्या होगा, दैट मीन्स अगर मान लीजिए वही मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लिया फर्स्ट फ्लोर पे है तो सेकेंड फ्लोर पे आपने एक एक और फ्लोर बनना है जिसपे आप बिजनेस रन करना चाह रहे हो, तो वो क्या होता है कि आपके ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग में आपकी वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग में आपकी वो ऐड हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी 30 लाख की बिल्डिंग पड़ी थी बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, आपने एक और फ्लोर बना दिया, 10 लाख रुपये आपने खर्च कर दिए, तो आपके वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू में ये ऐड हो जाएगा, फिर उस पे लेकिन ये वैल्यू अलाउड नहीं होगी, इस पे सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। डेप्रिसिएशन ये भी कौन सा सेक्शन कवर हो रहा है, 32(1). ठीक है, वैसे हम सेक्शन कौन सा कवर कर रहे हैं, 30 है, लेकिन डेप्रिसिएशन किस में आ रहा है, 32(1) में। ठीक है, तो याद रखना कोई भी अगर बिल्डिंग पे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज हो रहा है तो पहले उसकी बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको तो पहले आप ओपनिंग डब्ल्यू डी में ऐड कर दो, लेकिन पी एंड एल में कौन सा अमाउंट डेबिट होगा उस बिल्डिंग पे जो आप डेप्रिसिएशन, ये एक खर्चा ही होता है बिल्डिंग का, तो उस पे जो डेप्रिसिएशन होगा ओनली दैट डेप्रिसिएशन अमाउंट इज अलाउड एज एक्सपेंस इन पी एंड एल अकाउंट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ टेनेंट। मान लीजिए आपने अपनी बिल्डिंग नहीं है, आपने रेंट पे ली हुई है और आप उस पे जो है कैपिटल नेचर का कोई रिपेयर कराते हो, ठीक है, तब भी जो है वो आपकी डीम्ड बिल्डिंग मानी जाएगी। सर डीम्ड बिल्डिंग मतलब, यानी कि आप ये मान लो कि आपने वो बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, तो भी आप क्या करोगे उसमें, आप अपनी दैट अगेन यू नीड टू ऐड इन द ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग और फिर उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे एज पर 32, एंड ओनली दी डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस अंडर पी एंड एल अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जब आप ओनर हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितनी बिल्डिंग आपने खर्चा करा है, ठीक है, उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन अमाउंट जब वो अलाउड है, बट अगर टेनेंट हो, ठीक है, तो आप ये मान के चलो अगर आप टेनेंट हो, ठीक है, ओनर ने कुछ खर्चा नहीं करा और अगर आपने कोई भी ऐसा जो खर्चा किया है वो कैपिटल नेचर का है, तो फिर क्या करोगे, मान लो उस बिल्डिंग में जो आप जो भी जितना भी खर्चा किया वो समझ लो आपने उसमें खरीदा है, ठीक है, तो वो आप अपने एसेट में ऐड कर दोगे, उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद जो भी डेप्रिसिएबल अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल बी अलाउड एज पी एंड एल अकाउंट। ओके, चलिए इसको तो इन डिटेल और अच्छे से समझते हैं। मैं देखिए जब ऑनर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात कंफ्यूज होती है टेनेंट की कि डीम्ड क्यों माना। देखिए ध्यान से, मान लीजिए 2017-18 में ओपनिंग में सॉरी
ओपनिंग में मान लीजिए आपके पास ओपनिंग डब्ल्यू डी बी रिटर्न ऑन वैल्यू कुछ भी नहीं थी, तो मैं नील मान के चल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने कोई कैपिटल नेचर का आपने खर्चा किया, मान लीजिए आपने खर्चा किया 2 लाख रुपए का, ठीक है, खर्चा किया। अब मान लीजिए बिल्डिंग पे जो है डेप्रिसिएशन कितना है, सपोज है 10%, कितना है 10%। तो वो मान लीजिए आपने खर्चा कब किया, मान लीजिए इन द मिडल ऑफ दिस ईयर, मान लीजिए कब किया, 20 नवंबर 2017 को आपने खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंस किया आपने कितने रुपीस का, 2 लाख रुपीस का, ठीक है। तो उस केस में डब्ल्यू डब्ल्यू, पहले तो आपके वो बिल्डिंग नहीं थी, फिर आप क्या करोगे, खर्चा ऐड करोगे 2 लाख का, ठीक है। अब इस पे आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मान लीजिए 10% है, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसका जो खर्चा आएगा कितना आएगा, दैट इज रुपीज़, मान लीजिए ये आपका, देखिए वैसे तो होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर डेप्रिसिएबल एसेट, चलिए मैं आपको इसकी डेट चेंज कर देता हूँ क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा। मान लीजिए इसकी डेट आती है सपोज ऑन 20 जून 2017, ठीक है। सो 10% डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितना लगेगा, 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। सो क्लोजिंग कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 1,80,000 क्लोजिंग, दैट मीन्स इन द एंड ऑफ दिस ईयर द वैल्यू विल बी 1,80,000। अब क्या होगा, नाउ दिस अमाउंट विल बिकम ओपनिंग वैल्यू फॉर द ईयर ऑफ 1890। ओपनिंग डब्ल्यू डी वी कितनी होगी, 1,80,000, ठीक है। अब अगेन इस पे कितना डेप्रिसिएशन होगा, 10% डेप्रिसिएशन, दैट इज 18,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना हो गया आपका, 1,62,000, ये हो गया। अब मान लीजिए अब आपने इस ईयर में ओपनिंग डब्ल्यू डी बी कितनी होगी आपकी, 1,62,000, ठीक है। अब आप इस ईयर में आ गए, अब क्या हुआ, आपने क्या करा, इस ईयर में आपने आके वो घर वैकेंट कर दिया, यानी कि छोड़ के चले गए आप, ठीक है। और जब छोड़ के चले जाओगे तो ओनर आपको, मान लीजिए मैं 3 केस ले लेता हूँ, मान लीजिए ओनर ने कहा कि ठीक है, या मैं बिल्डिंग मैं अपने बिजनेस के लिए भी यूज़ कर लूँगा, तो मैं इसका आपको कुछ खर्चा देता हूँ, मान लीजिए 70,000 मैं आपको खर्चा दे दिया इसका। और फिर मान लो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो हो सकता है और ज़्यादा पैसे दे दे, मान लीजिए 2,50,000 रुपये दे दिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आपने जो मेरी बिल्डिंग पे खर्चा करा, मुझे तो यूज़ नहीं करना, मुझे जो हल्टा उल्टा उसको हटाना है, तो उल्टा मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे, तो हो सकता है वो आपको कुछ भी पैसा ना दे। तब उस केस में क्या होगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस सेल कंसिडरेशन या फिर मनी पेबल। सर क्या मतलब सेल, जी हाँ सेल, जैसे आपने स्टार्टिंग में क्या माना था, डीम्ड बिल्डिंग, यानी कि आपने खर्चा किया ने इसको, आपने पहले अपनी बिल्डिंग में ऐड करा, दैट मीन्स मैंने क्या बोला था, पहले आप उसको एज्यूम कर आपने खरीदा, तो अब ये एज्यूम कर आपने बेच दिया, ठीक है। अगर नील आया तो नील लिखोगे, नील आया तो नील लिखोगे, 70,000 है तो 70,000 लिखोगे, 250 2,50,000 2,50,000 लिखोगे, ठीक है। तो 3 नंबर से कुछ भी ले सकते हो। अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर आपने मनी पेबल को लिखा, मनी पेबल इसमें दिया थोड़ा ना उसे, तो बल्कि टेनेंट से ओनर से लिया तो अमाउंट रिसीव किया। देखिए पीजीपीपी में मनी पेबल की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, दैट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द टेनेंट फ्रॉम द ओनर, सॉरी एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर, दैट इज कॉल्ड मनी पेबल, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है, मनी पेबल बाय द बायर, ये पीजीबी में लिखा होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा होगा मनी पेबल, ठीक है। चलिए इसको और देखते हैं अच्छे से। अब इस केस में जो है आपका, देखिए ये किसने बेचा है, टेनेंट ने बेचा है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है इसको, देखिए जरा। तो इस केस में क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि आपका आता है सेक्शन 2 केस में आता है, सेक्शन 51 या फिर 52,
इसके बारे में मैं इन डिटेल में बाद में बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट अभी मैं इन शॉर्ट आपको सिर्फ इसे ये बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो इस सेक्शन में कवर होता है। ठीक है, चलिए देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैसे अराइज होगा। देखिए उसकी जो है वैल्यू कितनी थी ओपनिंग WDV, दैट इज 1,62,000। मान लीजिए कितने में बेच दिया उसने, 70,000 में बेच दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई, 92,000 क्या हो जाएगा उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेकेंड केस, मान लीजिए उसको कितना मिला, 2,50,000 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो लॉस होगा, ये लॉस होगा, नेट इज लॉस। ठीक है, ये गेन होगा आपका। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा, ऐसे ही मान लीजिए 162 खर्च किया, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका कैलकुलेट करोगे इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा केस, अगर मान लीजिए रिपेयर का, अगर आपका कैपिटल नीचे रहता है तो उस केस में जो है कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको अलाउड हैं, आपको सिर्फ वो सिर्फ डेप्रिसिएशन वैल्यू लेना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 31। ये किस केस में बता रहे हैं, फॉर दी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। सर अभी तो आपने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, जनरल डिडक्शन में बात करी थी कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के अलाउड है, और आप यहाँ पर कैपिटल नेचर का ले रहे हो। आगे पढ़िए, पहले तो बताया कि प्लांट एंड मशीनरी जो है फर्नीचर किसके यूज में बिजनेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन कौन से खर्चे अलाउड किए हैं, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। ठीक है, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर दी रेवेन्यू नेचर ओनली। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ओनर कौन है, सॉरी SSC कौन है, किस किस के लिए अलाउड है, दोनों के लिए, ओनर के लिए भी टेनेंट के लिए भी। ठीक है, देखिए अगर ओनर खर्चा कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी के किसी रिपेयर में या फिर इंश्योरेंस से, तो वो तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर टेनेंट हुआ तो उस केस में रेंट भी अलाउड होगा, बट रेंट जो वो 31 में अलाउड नहीं है, वो किस केस में अलाउड है उसको बस सेक्शन अलग कर दिया, जाती है 37(1), और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है उसका, 37(1), जो कि हमने ऊपर कर लिए कवर हमने रेंट का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 31 किसके लिए है, फॉर द प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर है, अगर वो दोनों जो एसेट जो है बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है तो वो P&L अकाउंट में डेबिटेड है। SSC वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो ऑनर हो चाहे वो टेनेंट हो। ठीक है, देखिए ऑनर ऑनर तो कोई रेंट पे करेगा नहीं, लेकिन टेनेंट तो इस एसेट से रिलेटेड रेंट भी पे कर सकता है, तो क्या रेंट भी अलाउड है, जी हाँ रेंट भी अलाउड है, बट उसके लिए सेक्शन कौन सा है, 37(1), दैट्स इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 35D। 35D क्या रिपीट किस बारे में डिस्कस करता है, दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपको अच्छे से पता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द प्रोमोटर, दैट मीन्स जो बिजनेस कमेंसमेंट से पहले भी यूज होते हैं या खर्चे होते हैं या फिर आफ्टर भी हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के खर्चे किस किस को अलाउड हैं, कंपनी को, कौन सी कंपनी को, इंडियन कंपनी को, इंडियन कंपनी को, या फिर वो कंपनी जो कि रेजिडेंट हो। देखिए हमने रेजिडेंट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा कि कौन कौन सी कंपनी जो रेजिडेंट मानी जाती है, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, लेकिन कोई फॉरेन कंपनी है अगर उसका पोयम पोयम अगर उसका पोयम इंडिया से हो रहा है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट माना जाता है, तो इन दोनों के लिए ही अलाउड है, बाकी और कंपनी के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में प्रीलिमिनरी आपको कितना खर्चा आपको अलाउड है ये देखना होगा, कितना खर्चा अलाउड है, एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी यहाँ रिसर्च नहीं आएगा, इनकर्ड, एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड और मैक्सिमम लिमिट। सर ये एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, ये है लिस्ट। ठीक है, जैसे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फिजिबल रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट,
कंडक्टिंग एनी सर्वे फॉर बिजनेस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग एक्सपेंसेस ऑफ मेंबर नाम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ऑफ दीज रिपोर्ट्स, देन फीस ऑफ रजिस्ट्रिंग कंपनी, देन इशूइंग एक्सपेंसेस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. दीज आर कॉल्ड एलिजिबल एक्सपेंसेस, यानी कि ओनली दीज एक्सपेंसेस आर टू बी अलाउड टू डेबिट इन पी एंड एल अकाउंट. ये एलिजिबल हैं, ठीक है. किस किस को अलाउड हैं? इंडियन कंपनी एंड दोज कंपनी दैट आर रेजिडेंट इन इंडिया. तो कितना अमाउंट एलिजिबल होगा, यानी कि जो एलिजिबल लिस्ट है या फिर जो मैक्सिमम लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है विच एवरेज जो लोअर होगा दैट विल बी डिवाइड इन टू 5 ईयर्स एंड वो 5 ईयर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. आई रिपीट, पहले तो आपको देखना है कि ये किस किस को कौन सा एसएससी के अलाउड है. ओनली टू द कंपनी, यानी कि सिर्फ कंपनी के लिए है. यानी कि किसके लिए नहीं होगा? एलएलपी को नहीं होगा, फर्म के लिए होगा नहीं होगा, सोल प्रोपरेटर को नहीं होगा, एचईएफ को नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को अलाउड है. कौन कौन सी कंपनी को? टू इंडियन कंपनी एंड टू दोज कंपनी हु आर रेजिडेंट इंडिया. कितना अलाउड है उसके लिए आपको देखना है लोअर ऑफ दिस, दैट मीन्स एलिजिबल पीई इनकर्ड और मैक्सिमम लिमिट विच एवरेज लोअर दैट विल बी डिवाइड इन टू 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एंड विल बी डिडक्टेबल इन 5 इक्वल ईयर्स. ओके, अब मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट कंपनी कंपनी पर डिपेंड करता है. दैट मीन्स अगर इंडियन कंपनी है तो कितना होगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हायर आएगा उसका 5% वो अलाउड होगा. अगर कोई इंडियन कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का जो भी हायर होगा उसका 5% जो है वो पी एंड एल में डेबिट कर सकता है. और अगर कोई और अदर कंपनी हो, दैट मीन्स अदर कंपनी मीन्स रेजिडेंट कंपनी हो, तो कितना अलाउड है? 5% ऑफ सीओपी, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या, ध्यान से देखो. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है क्या होता है? इक्विटी प्लस डेट, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डेट, ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है इसको ध्यान से देखना आपको. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट कौन कहाँ तक की वैल्यू लेनी है आपको? एट द एंड डे ऑफ प्रीवियस ईयर. सर मतलब क्या है इसका? मान लीजिए आपने 2019-20 में आपने बिजनेस सेटअप किया, ठीक है. अब आप जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का आप इस ईयर में डिडक्शन लेना चाह रहे हो, तो आपको क्या देखना है कि टिल 31 मार्च 2019 को देखना है आपको टोटल एसेट निकालनी है, ठीक है. अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पर टोटल एसेट दैट मीन्स मैं लिखना भूल गया, टोटल एसेट कौन सी अलाउड है? विदाउट डेप्रिसिएशन. यानी कि ये तो फायदा हो गया क्योंकि डेप्रिसिएशन से वैल्यू लेस हो जाती है. तो यहाँ पर आपने गवर्नमेंट ने आपको आपको अच्छी डिडक्शन दी हुई है. तो कौन सी टोटल एसेट लेनी है आपको? विदाउट डेप्रिसिएशन, ठीक है. यानी कि टिल दिस ईयर, यानी मान लीजिए आपने 5 साल तक आपने जितना भी खर्चा करा, ठीक है, और उस साल तक और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उस साल तक आपकी टोटल एसेट मान लीजिए कितनी वैल्यू बनती है, चाहे वो करोड़ों में हो चाहे लाखों में हो, तो वही वैल्यू आपको टोटल एसेट कंसिडर करनी है बट विदाउट डेप्रिसिएशन. ओके, अब फिक्स एसेट कौन कौन से अलाउड है डिपेंड करता है कि आपने बिफोर कमेंसमेंट है या फिर आफ्टर कमेंसमेंट है. बिफोर कमेंसमेंट तो आप सारे एसेट ले सकते हो विदाउट डेप्रिसिएबल, ठीक है. बट अगर आप आफ्टर कमेंसमेंट ले रहे हो सो आपको वही एसेट लेनी है ओनली दोज यूटिलाइज फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन, ठीक है. ओनली दोज एक्सपेंसेस, ओनली दोज एसेट्स विच आर यूटिलाइज फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड जितना भी आपके टोटल एसेट होगा वही कंसिडर करना है, बाकी नहीं लेना, ठीक है. तो ये था आपका सेक्शन 35D. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेक्शन 35DD. DD है ये, ए नहीं आ रहा, DD किसके रिलेटेड है? सॉरी ये DD ए ही है, सॉरी सॉरी ये DD ए ही है.
अच्छा, यहाँ पर आपका एक सेक्शन बीच में रह गया है। चलिए इसको अभी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए सेक्शन डिस्कस करते हैं हम। सेक्शन 35 डी, क्या है ये? एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एमालगमेशन, डीमर्जर। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी डीमर्ज हो रही है, एमलगमेशन हो रही है, तो उसमें जो है कौन कौन से खर्चे जो है वो पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। पहले तो क्या बात बोली हुई है इसमें कि अलाउड तो हैं, अलाउड अंडर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड बहुत खर्चे होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो गवर्नमेंट एक साथ नहीं दे रही, ठीक है? इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग 5 ईयर्स। कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ भी हो सकते हैं, लीगल एक्सपेंस होते हैं, कोई भी मान लीजिए अगर एडवोकेट हायर किया है या फिर रजिस्ट्री कंपनी रजिस्टर्ड किया है, तो कोई भी जो खर्च होंगे वो अलाउड होंगे। बट यहाँ पर कंडीशन है, ये अलाउड किसको है? ओनली टू इंडियन कंपनी। सर क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए आपके पास केस आ गया कि इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज हो रही है या एमलगेमेट हो रही है, ठीक है? तो अगर इंडियन कंपनी ने कोई भी खर्चा करा, लीगल एक्सपेंस खर्चा, तो वो इंडियन कंपनी का अलाउड होगा। लेकिन अगर वही खर्चा अगर फॉरेन कंपनी ने खर्चा करा तो वो अलाउड नहीं होगा। दैट मीन्स एक्सपेंसेस आर टू बी इंकर्ड बाय इंडियन कंपनी, ओनली दैट केस दोज एक्सपेंसेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन। Now come to the next section, that is section 35 DD. ये सेक्शन किससे रिलेटेड है? VRS, that is voluntary retirement scheme. यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी है या फिर कोई बिजनेस है, अगर उसमें से कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो उस रिलेटेड कंपनी क्या करती है? उनको एक कंपेंसेशन अमाउंट देती है। तो क्या वो पीएनएल में डेबिट होने के लिए अलाउड है? क्या बोला इसमें? एक्चुअल पेमेंट, यहाँ पर देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, एक्चुअल पेमेंट फॉर वीआरएस कंपनसेशन विल बी अलाउड ड्यूरिंग दी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ओके सर, क्या मतलब है उसका? जैसे मान लीजिए एक्चुअल अमाउंट की बात करिए, मान लीजिए टोटल 5 वर्कर या फिर एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने वीआरएस के लिए ऑप्ट किया, ठीक है, और सबको जो है मान लीजिए 5 5 लाख रुपये जो ईच देने दो, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? दैट इज ₹25 लाख। तो कोई भी कंपनी है या फिर बिजनेस है वो एक साथ इतना मान लीजिए इतना पेमेंट नहीं करना चाह रही। मान लीजिए कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट पैसे दे रही है, कंपनी ने बोला कि पहले तो हम 10 लाख रुपये इस साल दे रहे हैं, ठीक है, बाकी 15 लाख आपको अगले साल दे देंगे। तो एक्चुअल अमाउंट देना पड़ेगा, यानी कि जिस प्रीवियस समय जितना अमाउंट पे करा उतना। तो क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 2019-20 में ये खर्चा करा और 2021-21 में ये खर्चा करा, तो जब 19-20 में खर्चा करेंगे तो कितना अमाउंट जो हो डिडक्टेबल होगा? दिस अमाउंट विल डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 2 लाख, ठीक है। अलाउड कब से होगा ये? 19-20, 20-21, 20-22, 22-23 एंड देन 23-24। इन दिस 5 ईयर जो टोटल अमाउंट जो वो 2 2 लाख इज डिडक्टेबल है। देन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अगेन दिस अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाई 5, दैट इज ₹3 लाख। अब ये अमाउंट कब से अलाउड होगा? फ्रॉम द ईयर ऑफ 2021, ठीक है, क्योंकि इसी साल पे करा, सो दिस ईयर टिल 5 ईयर्स वो 3 लाख डिवाइड होगा।
सो दैट मीन्स जितना एक्चुअल अमाउंट पे करा उसको आप डिवाइड बाय 5 कर दो, और उसी साल से जो 5 साल काउंट होने शुरू रहेंगे, ओनली दैट ओनली दोज अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्टेबल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डोनेशन। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी ट्रिकी, इसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कब कितनी डोनेशन कितनी अलाउड है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे सेक्शन जो है काफ़ी क्लब हो जाते हैं। तो इसको मैंने सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है, तो समझ लेते हैं अच्छे से एक बार इसको। देखिए डोनेशन बेसिकली मान लीजिए ये 3 टाइप की है, कौन कौन सी, डोनेशन रिलेटेड टू रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन फंड। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर मान लीजिए डोनेशन अगर कोई बिजनेसमैन देता है, तो उसकी डिडक्शन अलाउड कहाँ पर है, अलाउड अंडर सेक्शन 35। और बाकी दो की डिडक्शन अलाउड कहाँ पर है, अंडर सेक्शन 35 CCA में। सर अगर कोई और डोनेशन हो तो जैसे देखिए क्या लिखा, अदर फंड्स, NGO को दे दिया, रिलीजियस को दिया, ठीक है, ट्रस्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टी में दिया, इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टी में दिया, तो फिर वो तो डिस अलाउड हैं, डिस अलाउड हैं। अगर कुछ भी करा तो उसको सबसे पहले तो उसको डिस अलाउड करो, ठीक है, फिर हम चेक करेंगे वेदर ऑल दीज डोनेशंस आर डिडक्टेबल फ्रॉम दी GTI, चेक करेंगे कि क्या वो 80G में आते हैं, क्या वो GGB में आते हैं, क्या वो GGC में आते हैं, ठीक है, हमें चेक करना है। तो पहले का ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर सुनिए, अगर मान लीजिए कोई डोनेशन इससे रिलेटेड है, NGO, रिलीजियस, इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर पोलिटिकल पार्टी, सबसे पहले क्या स्टेप होगा, अगर मान लीजिए वो पीएनएल में डेबिट, तो सबसे पहले इसको डिसअलाउ कर दो, यानी कि ऐड तक कर दो। उसके बाद आपको चेक करना है वेदर दीज डोनेशंस आर फॉलिंग अंडर दीज डिडक्शंस अंडर दीज सेक्शंस, कौन कौन से सेक्शंस हैं, 80G, 80GGB एंड 80GC। इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको वीडियो में समझाया, डिडक्शन चैप्टर में कहते कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी डिडक्शन मिल रही है, ठीक है। नाउ कम टू द डोनेशन टू रिसर्च दैट इज अंडर सेक्शन 35, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, डोनेशन टू दिस। डोनेशन टू इंडियन कंपनी, देखो जरा पर एक एक लैंग्वेज भी करना है कि किसको अलाउड है, डोनेशन टू इंडियन कंपनी, दोज आर मेनली एंगेज इन रिसर्च एक्टिविटी, यानी कि वही कंपनी जो खुद ही जो रिसर्च एक्टिविटी में एंगेज हैं, तो उनके लिए तो 100% अलाउड है, उनको तो 100% अलाउड है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए कंपनी नहीं हो, आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो फिर अगर मान लीजिए आपने डोनेशन दिया, किसको दिया, टू रिसर्च एजेंसी, टू रिसर्च इंस्टीट्यूट, टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आई रिपीट, अगर मान लीजिए आप अदर देन इंडियन कंपनी हो और आपने डोनेशन कहाँ करा, टू रिसर्च एजेंसी, टू रिसर्च इंस्टीट्यूट, टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो देखना पड़ेगा कि डोनेशन अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर डोनेशन अप्रूव्ड नहीं है फिर तो बात ही खत्म कि आपको वो तो नॉट अलाउड हो जाएगा, बट अगर अप्रूव्ड है तो देखना पड़ेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव दो हैं, कौन कौन से, अगर ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस रिसर्च हुआ या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च, यानी डेटा से रिलेटेड होगा, जैसे कोई सेंसस बताता है, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, सेक्स रेशियो हो गया, तो अगर इस टाइप का कोई भी प्रोटेक्ट, अगर इससे रिलेटेड कोई भी रिसर्च हो रही है, कोई जो आपकी जो डेटा प्रोवाइड करता है, अगर उसमें जाके अगर आपने कोई डोनेशन दिया है, तो उसमें आपको 100% डोनेशन अलाउड है। बट अदर देन दिस कोई और अगर हुआ और वो अप्रूव्ड है, तो फिर 150% डोनेशन मिलेगी। सर मतलब अगर 1 करोड़ किया तो 1.5 करोड़ की डोनेशन मिलेगी, जी हाँ, ठीक है। तो ये देखो गवर्नमेंट ने बोला होगा कि आप जो है जो देश को बढ़ावा देने के लिए काम आते हैं, जो देश के डेवलपमेंट में हाथ बटाते हैं, तो उनके लिए उनको बताने के लिए कि हाँ जो देश के लिए काम करते हैं उनको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा डिडक्शन भी देती है, ठीक है। तो ये था आपका डोनेशन टू रिसर्च अंडर सेक्शन 35। अब आते हैं अंडर सेक्शन GGA। सर GGA आप ध्यान से देखिए, अगर आपने डिडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो देखिए हमने कौन कौन सेक्शन पढ़े थे, 80G डोनेशन की बात करता है, जिसमें हमने ABCD पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा 80GG मीन्स रिलेटेड टू रेंट, जो कि जिसको HRD में मतलब उसका रेंट अलाउड होता है, फिर हमने GGB GGC पढ़ा, जो कि इलेक्ट्रल ट्रस्ट
ठीक है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो डोनेशन था उसको पढ़ा। तो हमने वहाँ पर एक सेक्शन छोड़ दिया था, सेक्शन 80GGA। मैंने वहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो PGDB से रिलेटेड था। अगर आप, मैं आपको वहाँ समझता था, आपको यहाँ तो समझ नहीं आता, इसलिए मुझे उसको इस वीडियो में डिस्कस करना पड़ा, दैट इज इन इन द केस ऑफ PGDB। देखिए, अगर आपने डोनेशन किया है अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर NFRD एंड UPEF, सर ये सब क्या है? ये वही है जो मैंने देखो ऊपर आने के थे, NFRD एंड UPEF, ठीक है, अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, या फिर नेशनल फंड रूरल डेवलपमेंट या फिर अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन फंड। अगर कोई बिजनेसमैन इन सब में रिसर्च करता है, सॉरी डोनेशन देता है, तो फिर 35 के अकॉर्डिंग तो या तो वो 100% डिडक्शन मिलेगी या फिर 150 जो हमने ऊपर किया, ठीक है, और 30 CCA में कितनी मिलेगी? 100%। देखिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, या तो 100% मिलेगी, दैट इज ऑब्जेक्टिव अगर ये वो तो 100%, नहीं तो 150%। और CCA के अकॉर्डिंग कितनी मिलेगी? देखिए ऊपर हमने डिस्कस किया था, दैट इज यहाँ पर देखिए कितनी मिलेगी, ये 100% मिलेगी, ठीक है ना, 100% अलाउड हो जाएगी। 35 CCA में दैट इज 100%, 35 में होगा तो दो केस होंगे, 100% या 150%। 100% कब होगा? अगर स्टैटिस्टिकल डेटा होगा या फिर साइंटिफिक रिसर्च हुआ, सोशल सोशल साइंस रिसर्च हुआ तो 100%, और कोई ऑब्जेक्टिव हुआ तो फिर 150%। यस, अगर बिजनेस रिलेटेड तो ये होगा, बट मान लीजिए अगर कोई और पर्सन हुआ, दैट मीन्स कोई पर्सन बिजनेस मैन ही नहीं है, सैलरी इनकम पर्सन है, या फिर जिसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ अदर सोर्स से आ रही है, मीन्स अदर देन बिजनेस इनकम, बिजनेस, तो फिर अगर वो इन सब में अगर डोनेशन करते, क्या उसको डोनेशन डिडक्शन मिलेगी? मिलेगी। उसके लिए सेक्शन बनाया 80GGA, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके, मान लीजिए मैं हूँ, मैं बिजनेस रन नहीं करता, ठीक है, आपके मान लीजिए आपके घर में कोई, मान लीजिए आपके पिताजी बिजनेस रन नहीं कर रहे, सैलरी इनकम पर्सन है, अगर वो अगर इन अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर NFRD या फिर UPEF में अगर डोनेशन देते हैं, तो उनको भी डिडक्शन अलाउड है। कितनी डिडक्शन अलाउड है? 100% डिडक्शन अलाउड है, सॉरी 100% डिडक्शन अलाउड है अंडर भी सेक्शन, अंडर 80GGA, ठीक है। इसलिए मुझे ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना पड़ा, अगर मैं ये वहाँ पर समझा तो वहाँ पर आपको समझ नहीं आता, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 32(1). ये किसके लिए बताया? कोई भी एसेट, टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है, अगर ओन बाय असेसी हो, ओन्ड बाय असेसी एंड यूज इन बिजनेस प्रोफेशन, ओन्ड बाय असेसी एंड यूज इन बिजनेस प्रोफेशन। देखिए टेंजिबल कौन कौन से एसेट होगी? बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, ठीक है। इनटेंजिबल कौन से होगी? नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट या लाइसेंस, ये होगा। देखिए मैं तो आपको ऊपर डिस्कस करता हूँ, ऊपर हमें डिस्कस करा रिपेयर कैपिटल नेचर हुआ, तो मैंने क्या बताया था उसमें आपको कि एज पर सेक्शन 32(1) डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होगा ऑन दैट अमाउंट इज एलिजिबल फॉर दी डिडक्शन। तो यहाँ पर वही है, देखिए मैंने वो समझाया, कोई भी ओन्ड बाय एसेसी है, ठीक है, यूज इन बिल्डिंग में, तो डेप्रिसिएशन अलाउड होगा अंडर सेक्शन 32(1). 31(2) क्या बोलता है कि डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। सर ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है? हम समझ नहीं पा रहे, आप बहुत देर से बोल रहे हो ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट। देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट का होता है बेसिकली कि सेम कोई भी एसेट अगर हमारे सेम नेचर की है तो उसका एक अलग ब्लॉक बन जाता है, या फिर सेम परसेंटेज में फॉलो कर रहे हैं तो फिर एक उसका एक अलग आपका जो है बन जाता है। दैट मीन्स इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन ए क्लास ऑफ एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेम परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। 43(6) में बताया WDV ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होगा। देखिए अब देखिए ये सब है ब्लॉक्स, जब आप पूछे ना ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या क्या होते हैं, प्रिस्क्राइब परसेंटेज बताया कि कौन कौन सी एसेट पे कितने कितना डेप्रिसिएशन अलाउड है। पहली ब्लॉक 1, ये मैंने ब्लॉक 1 लिखा हुआ है। ब्लॉक 1 क्या है? बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग रेजिडेंशियल है तो 5%, नॉन रेजिडेंट दैट इज कमर्शियल है तो 10%, फर्नीचर है तो 10%,
प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक 3 है, प्लांट एंड मशीनरी अदर देन ब्लॉक 4, 5 एंड 6, तो कितना डेप्रिसिएशन अलाउड है? 15%। ठीक है, तो ब्लॉक 4 क्या है आपका? मोटर कार, चाहे वो रनिंग या फिर हायर के लिए हायर करके इसको यूज़ कराएं, तो कितना डेप्रिसिएशन अलाउड है? 30 या 45%। ये एक्चुअली अमेंडमेंट आया है इस साल, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। अभी मैं इसके बारे में थोड़े इन डिटेल आपको डिस्कस करूंगा कि ये आपका जो है अमेंडमेंट क्या है। फिर है ब्लॉक 5, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। कौन कौन सी है? एरोप्लेन है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है या फिर बुक्स है, तो फिर इस पे स्टेट अवे कितना अलाउड है? दैट इज 40%। नेक्स्ट इनटेंजिबल एसेट्स, दैट इज नो हाउ, पेटेंट्स, गुडविल। अच्छा, गुडविल दो तरह की होती है आपकी, एक तो वो गुडविल जो आपने परचेस की है, या फिर वो गुडविल आपकी आपने सेल्फ जनरेट की है। ठीक है, तो जो सेल्फ जनरेट होती है वो तो वैसे भी आपकी नीली होती है। ठीक है, मैं नीली लेके चलते हैं, और जब आपने परचेस की है तो वो आप कंसिडर करोगे यहाँ पर, तो उस पर कितना डिप्रिसिएशन लौड़ा है? 25%। यानी कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उस पर 25% आपको डिप्रिसिएशन अलाउड है। नोट, वेयर एनी एसेट इज एक्वायर्ड बाय एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्वायर्ड, देन डेप्रिसिएशन रेट शैल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड। सर समझ नहीं आया सर, क्या मतलब हुआ? जैसे मान लें हम बात करते हैं इसकी, आपको पता, हमने मैंने आपको भी बताया कि इनटेंजिबल एसेट पे 25% जो है डेप्रिसिएशन अलाउड है। अगर मान लीजिए कोई एसेट जैसे कॉपीराइट है, अगर आप इसको बिजनेस में लिखा लिखा है, या फिर कोई भी एसेट है, कोई भी अगर आप लिखा है जो कि, लेकिन आपने उस एसेट को लेस देन 180 डेज यूज़ करा है उस ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर, तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा? 50% ऑफ अलाउड डेप्रिसिएशन है। दैट इज अगर 25% तो कितना अलाउड होगा? 12.5%। 40% है तो 20%, 15% होगा तो 7.5%, 5% हुआ तो 2.5%। ठीक है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप लेके आए सपोज ऑन 1st of December, तो लेस देन 180 डेज हो गया, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50% ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड। ये आपको प्रिस्क्राइब रेट है आपका एज पर इनकम टैक्स रूल 1962। ठीक है, तो ये आपको रेट आपको याद करने होंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक 4 की, जो मैंने आपको बताया था कि जो इस पे जो आपका जो अमेंडमेंट आया है इस पे डेप्रेशन किया। ध्यान से देखिए, देखिए पहले जो डेप्रेशन जो वो कितना रहता था? 15% एंड 30%। 50% किसके लिए? अगर मान लीजिए आपकी खुद की मोटर व्हीकल है और उसको आपने बिजनेस के लिए यूज़ किया हुआ, तो कितना डेप्रेशन अलाउड था? 15%। और अगर आपने उस मोटर व्हीकल को रनिंग हायर के लिए यूज़ किया हुआ है, तो फिर कितना डेप्रेशन अलाउड था? 30%। अब जो है वो 30%, 15 से 30% हो गया इस साल से, एंड 32-45% हो गया। बट इसकी भी कंडीशन है, ये रेट कब अप्लीकेबल होंगे? ध्यान से देखो, ये रेट कब अप्लीकेबल होंगे? इफ दीज एसेट्स आर परचेज बिटवीन इन दिस डेट, यानी कि 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के बीच में अगर आपने ये एसेट अगर आपने परचेज की है, तो ही आपका ये डेफिनेशन, ये रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ही ये रेट आपका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज कौन सा एप्लीकेबल होगा सर? फिर पुराने वाला ही एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर आपने परचेज एसेट परचेज की है सपोज ऑन 1st मई 2019, मोटर व्हीकल आपने परचेज की है, तो कौन सा रेट अप्लीकेबल होगा? दैट इज 15%। और अगर आपने मान लीजिए अगर आपने ये अपनी यही सेम डेप्रिसिएशन अगर आपने एसेट यूज करी ऑन 1st अक्टूबर 2018, कौन सा रेट अप्लाई हुआ? 30%। ठीक है, अच्छा एक बात और, मान लीजिए अगर आपने एसेट आपने यूज अपने आपने खरीदी ऑन 1st ऑफ दिसंबर 2019, तो जल्दबाजी मत करना, आंख बंद करके बच्चे यहाँ पर निश्चित कर देते हैं कि स्ट्रेट अवे मोटर व्हीकल परचेज की है तो उस पर डेप्रिसिएशन 30% ऐड होगा। नहीं, यहाँ पर आपको ये नोट भी देखना पड़ेगा, ये नोट। तो फिर रेट कौन सा अप्लीकेबल होगा? 15%, क्योंकि हाँ इसका हाफ रेट हो जाएगा, एंड 22.5% अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एसेट अगर आपने परचेज करी है
और आपने उसको बिजनेस में यूज़ कर रहे हो इन फॉर लेस देन 180 डेज, देन 50% ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड ओनली एप्लीकेबल। ओके नाउ व्हाट आर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग WDV मेथड। ये फॉर्मेट आपका, दैट इज पहले हम लिखेंगे ऑफरिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन 1 अप्रैल 2019, देन वी विल एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। ये जो पॉइंट है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने इम्पोर्टेंट बोला तो सर इसके मतलब आप तो इन डिटेल आप तो इस पर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली इस पर बहुत लंबी वीडियो बनेगी, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। देन मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड और डिस्ट्रॉयड। सर डिस्ट्रॉयड मतलब मान लीजिए अगर आपकी कोई एसेट है वो खराब हो गई, जल गई, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से उसका कोई पैसा मिला तो वो भी आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, ऊपर जो पे जैसे मनी पेबल हमने इसका तो वही वहाँ पर आपको लेस करना पड़ेगा। देन फिर जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा उस पर आप डेप्रिसिएशन जो रेट एप्लीकेबल है एज पर इनकम टैक्स एक्ट रूल 1962 वो आप अलाउ करोगे एज पर 32(1), देन यू विल गेट क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देर आर सम स्पेशल प्रोविजन टू कंप्यूट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ब्रोकर एसेट्स। यानी कि अगर आपने कोई भी एसेट अगर आपने बेच दी तो उस पर कुछ गेन तो होगा, कैपिटल गेन प्राइज होगा, तो फिर उस केस में क्या होगा? याद होगा भी थोड़ी देर में हमने इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर एसेट बेच गई, जैसे हमने पढ़ा था कि टेनेंट ने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वैकेंट कर दी, ठीक है, तो फिर उस केस में जो है हम क्या निकालते हैं, SCCG निकालते हैं। ये वो पॉइंट आ गया था। तो इसमें आपके दो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 51 एंड सेक्शन 52। सेक्शन 51 ये क्या है आपका बेसिकली, मैं अगर आपको याद करना है तो सेक्शन 51 क्या आपका छोटा भाई, ये कौन आपका बड़ा भाई, ठीक है। यानी कि ये सेक्शन क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई भी अगर आप एसेट बेचती हो तो उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको या तो आपको सेक्शन 51 के पास जाना पड़ेगा या फिर सेक्शन 52 के पास जाना पड़ेगा। तो देखेंगे सेक्शन 51 कब एक्टेड होगा, ध्यान से देखो। इफ एनी एसेट बिलोंगिंग टू ब्लॉक इन इज ट्रांसफर्ड, मान लीजिए ब्लॉक में काफ़ी सारी एसेट है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे मान लीजिए इंटेंजिबल एसेट काफ़ी सारी हैं, आपके पास कंप्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, ट्रेडमार्क भी है, कॉपीराइट भी है, अगर आपने उसमें से कोई भी एक एसेट आपने बेच दी, उसमें से कोई भी एक एसेट आपने बेच दी, तो फिर कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, सेक्शन 51 के पास जाना पड़ेगा। और उस पर आपको कैपिटल गेन आपको कैसे कैलकुलेट करना वो भी आपको ये बता रहे हैं। सॉरी इसके लिए दो कंडीशन, सॉरी 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 सेक्शन 51 के पास एट्रैक्ट होने के लिए दो कंडीशन है। पहली क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट में से कोई भी एक एसेट आपने सोल्ड आउट कर दी, प्लस अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर दी। सर ये कंडीशन क्या है, इफ़ द सेल कंसिडरेशन वैल्यू इज मोर देन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ दीज। ये क्या वैल्यू सर, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग WDV, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। अगर ये वैल्यू को मिलाकर सेल कंसिडरेशन से अगर कम होती है तो फिर जितनी वैल्यू जो एक्स्ट्रा है वो गेन हुआ, तब आपका सेक्शन 51 एक्टेड होगा। आई रिपीट, देखिए सेक्शन 51 कब एक्टेड होगा, अगर ब्लॉक ऑफ एसेट मान लीजिए मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया इनटेंजिबल एसेट, आपके पास कंप्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, सॉरी 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 इंटेंजिबल एसेट बात करें, आपके पास नो हाउ भी है, ठीक है, गुडविल भी है, आपके पास कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क भी, मान लीजिए चार एसेट हैं। मान लीजिए आपने गुडविल को बेच दिया, ब्लॉक ऑफ एसेट में से आपने सिर्फ गुडविल को बेचा, ठीक है, तो आपके लिए फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगी फॉर द सेक्शन 51। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर आपने गुडविल बेची और उसकी सेल कंसिडरेशन वैल्यू जो है इनसे ज़्यादा हुई इन सबको मिलाकर, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, छोटे भाई के पास, ठीक है। अब बड़ा भाई के पास कब जाओगे, अगर आपने सारी एसेट बेच दी, यानी कि जितनी भी इंटेंजिबल एसेट है वो सारे आपने बेच दी, यानी कि वो पूरा पूरा ब्लॉक आपके पास रहा ही नहीं, खाली हो गया, तब आप SCCG जब तब कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो छोटा भाई कब होगा, जब आपने ब्लॉक ऑफ एसेट में से
कोई भी एसेट बेच दी, लेकिन वो ब्लॉक खाली नहीं हुआ। मान लीजिए चार है, तीन बेच दी, एक रह गया, ठीक है, चार में से यानी एक ही बेची, तीन रह गए, ठीक है, यानी कि सारी एसेट नहीं बेची, ब्लॉक के पास कुछ पार्ट बेची है, तो 51 के पास जाना है। लेकिन अगर आपने सारी एसेट बेची दी तो किसके पास जाना आपको, सेक्शन 52 के पास, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको केस देता हूँ, सपोज मान लीजिए कोई एक, सपोज देर इज अ ब्रोकेज ऑन, अ ब्रोकरेज अमाउंट ऑन सेल ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट और ₹20,000। नाउ हाउ विल दिस 20,000 विल बी ट्रीटेड, मीन्स आइदर यू विल डिडक्ट फ्रॉम पी एन एल अकाउंट और यू विल गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 51 और 52। तो इसके लिए क्या बोला, देखो पहले क्या है, मैंने कौन सी एक्सपेंस की बात करी, मैंने ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, यानी कि बेचने पे जो आपने ब्रोकरेज या फिर कमीशन अमाउंट दिया, तो क्या वो पी एंड एल में डेबिट के लिए अलाउड है या फिर उसका हम जो है सेक्शन 51 या 52 में इसका बेनिफिट लें, ठीक है। तो सेक्शन, तो इसमें क्या बोला है, देखिए सेक्शन 51 एंड 52 अगर वो एक्ट्रेट हो रहे हैं तो फिर आपको डेबिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही तो फिर आपको उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तब आप डेबिट कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। माने मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सपोज देर इज अ ब्रोकेज, ब्रोकरेज अमाउंट ऑन सेल ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स ऑफ ₹20,000। नाउ यू विल हैव ऑप्शन आइदर टू डेबिट दिस अमाउंट इन पी एन एल अकाउंट और टू यूज इन सेक्शन 51 और सेक्शन 52। तो इसके लिए क्या बोला हुआ है, इफ सेक्शन 51 एंड 52 अट्रैक्ट देन दिस अमाउंट विल नॉट बी डेबिटेड इन पी एन एल अकाउंट, ओके। अब देखिए सेक्शन 51 52 में बोला हुआ है कि इसका जो आपको डेबिट कर, मतलब जो एस टी सी जी वो कैसे कैलकुलेट होती है, फ्रॉम दिस वैल्यू, यानी कि सेल कंसिडरेशन, जितना भी अमाउंट आया आपके पास बेचने के बाद उसमें से ये सब माइनस कर दो, जो वैल्यू बचेगी आपकी सेल एस टी सी जी, ठीक है। सो ये था आपका सेक्शन 51, 51 एंड 52, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लंबी वीडियो बनेगी, तो इस पर मैं चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँ। तो तब तक आप इसको जितना भी मैंने कंसेप्ट क्लियर करे हैं, ठीक है, उसको आप बहुत अच्छे से देखिए, उसके नोट्स बनाइए। नहीं समझ आएगा तो एक एक बार वीडियो में देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, आपको डेफिनेट समझ आएगा। फिर भी नहीं समझ आता उसके लिए तो मैं ही हूँ आपका लाइव क्लास में, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।